तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ये वर्ड जो है कंजुगेट, आप लोग सुने होंगे क्लास 11th में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी है, कंजुगेट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक मैट्रिक्स में एलिमेंट के जगह पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन ये, लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, एज इट्स एलिमेंट्स। यानी ये जो है कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें कि एलिमेंट के जगह पर, यहाँ जो ए बी सी डी या कुछ भी रहेगा, इसके जगह पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, ठीक है। इसके जगह पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए, देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी कि उसके बाद यहाँ पर जो हमको एलिमेंट दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो इस सब को जो है, ठीक है, सभी एलिमेंट को जो है रिप्लेस करते हैं किससे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, इस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को का हम फाइंड करेंगे क्या, कंजुगेट। इस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करने के बाद उस सभी को हम यहाँ पर रख देंगे फिर से, ठीक है। तो एक नया मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा उसी को हम बोलेंगे क्या, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सीखते हैं क्या, कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका आपको कंजुगेट चाहिए तो जेड डैश कंजुगेट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर होता ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इस इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, इस इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। यानी कि कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन जो प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट। या फिर कुछ इस तरह दिखाई दे, जेड इक्वल टू 5 - 3 i। तो अगर इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 5 + 3 i हो जाएगा, 5 + 3 i हो जाएगा। बस वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर जो मैट्रिक्स में एलिमेंट की जगह पर दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड कर लेंगे तो वहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा उसके बदले हम इस उसके बदले हम इस उसके बदले हम उसके कंजुगेट वहाँ पर पुट कर देंगे। तो उस पूरे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, उस पूरे मैट्रिक्स का कंजुगेट हमको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखते हैं और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, इस तरह से ए डैश, ठीक। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 + 2 i, 3 + 2 i 6, 2 - 3 i 3 - i 1 - 2 i i -3 - i 0 - i + 5। ये था 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। और अब हमको इसका कंजुगेट फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट। तो इस मैट्रिक्स का कंजुगेट यानी कि ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो इस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, कंजुगेट फाइंड कर लेंगे। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है 2i, जिसके साथ i रहेगा वही मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट, इसका साइन क्या है, प्लस। तो इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो 3 - 2i हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर 6 है ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है बट दिख नहीं रहा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाए, ये हो जाएगा 0 + 6 + 0 × i, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। यानी कि 6 का हम कंजुगेट फाइंड करेंगे तो वो 6 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस कर देंगे, 0 - 6 आए उससे 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए 6 ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कर देंगे ये 2, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या, माइनस, यहाँ पर ये 2 + 3 i हो जाएगा, यहाँ पर 3 + i हो जाएगा, उसी तरह से 1 + 2 i हो जाएगा,
अच्छा, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट यानी आई ही दिख रहा है, तो जिसका साइन की प्लस है ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -3 -3 माइनस आई दिख रहा है, यहाँ -3 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पर 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -i+5 दिख रहा है। इमेजनरी पार्ट इधर, इमेजनरी पार्ट यहाँ पर पहले दिख गया माइनस आई, तो ये जो है आई इसका साइन क्या, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि i+5। ऐसा नहीं कि इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, इमेजनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से जो हमको मिल गया यही हो गया मेरा क्या, यही हो गया आपका कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, ये कोई हमसे पूछ के इसका कंजुगेट हम ये फाइंड कर दिए, तो इसे बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी बी द एनी मैट्रिक्स, देन नंबर फर्स्ट, ये जो है क्या, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम कंजुगेट फाइंड किए, एक बार और हम कंजुगेट फाइंड कर दिए, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा जिसका कि हम कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ट्रांसपोज में पढ़े थे क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हमको यहाँ पर ए ही मिला था। सेम उसी तरह से है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम 2 बार या फिर 4 या फिर 4 बार या फिर 6 बार अगर हम उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो हम उसी तरह से वही मैट्रिक्स मिलते जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसी मैट्रिक्स का अगर हम 3 बार कंजुगेट फाइंड करें, तो ये कंजुगेट, फिर से कंजुगेट, फिर से कंजुगेट, तो हमको यहाँ पर मिलेगा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। नंबर थर्ड, कि ए और बी कोई मैट्रिक्स है, तब जा करके ए प्लस माइनस बी और इस पूरे का कंजुगेट, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल टू सेपरेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए प्लस माइनस कंजुगेट ऑफ बी। बट नंबर फोर आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज में, नंबर फोर ये कि ए इंटू बी इसका कंजुगेट हो जाएगा ए का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट आराम से। लेकिन ट्रांसपोज में क्या होता था, ट्रांसपोज में ए इंटू बी का जो हम ट्रांसपोज फाइंड करते थे, इसमें क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था, बी पहले आता था उसके बाद ये आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दोनों का दोनों सेपरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे स्पेशल मैट्रिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।